तो काली जी कहने लगी हैं श्याम सुंदर, हमारा कालिंदी नाम है और मैंने आपको देखा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे शादी, शादी तो हमारी हो चुकी है, बोले मैं भी करूंगी। भगवान श्याम सुंदर की चौथी शादी हुई है कालिंदी के साथ में, पांचवा विवाह हुआ है उज्जैन के बिंद सेन की लड़की मित्र बिंदा के साथ में, और छठा विवाह हुआ है अवध के राजा प्रसव की लड़की सत्या के साथ में, सातवां विवाह शीलभद्रा नाम की लड़की थी उसके साथ में हुआ, और आठवां विवाह हुआ है भद्रभूप की लड़की लक्ष्मणा के साथ में। इस तरीके से भगवान कन्हैया के आठ विवाह बताया गया है कि 16,108 विवाह हैं। लेकिन जो 16,100 वो कौन थे? एक भौमासुर नाम का राक्षस था, भौमासुर नाम का राक्षस। उसने सोचा कि हम 20,000 लड़कियों के साथ शादी करेंगे, 20,000 लड़कियों के साथ। उसने जहां भी जाता है सुंदर लड़की को देखा लेकर के आकर के गुफा में बंद कर देता है। धीरे धीरे उसने 16,100 लड़कियां बंद कर ली गुफा में। भगवान कन्हैया को पता चला, भगवान कन्हैया गए, भगवान श्याम सुंदर ने उस राक्षस का वध किया है, उन लड़कियों को मुक्त किया है वहां से। तो सब लड़कियां कहने लगी हैं श्याम सुंदर अब हम कहां जाएं, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इस तरीके से 16,100 लड़कियां वो थी, आठ विवाह हुए। आधा विवाह को भी जाके साथ में बताया गया, इस तरीके से 8.5 विवाह। इस तरीके से भगवान कन्हैया की शादियां हुई है। अब देखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर और सुदामा की मित्रता के बारे में, किस तरीके से भगवान कन्हैया की सुदामा के साथ मित्रता चली है। उससे पहले कुछ पुरस्कार आया है, 21 रुपए ऋषभ शास्त्री जी अमरापुर के रहने वाले, मेरे रस के कमर, तो फिर काय को बैठे हो, आओ सामने। 101 रुपए सुनील और पिंकी यादव नगला कोठी वाले, उनकी तरफ से आए हैं। भगवान से कामना करते हैं ऐसे भक्तों को समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में हुई हाथ अग्रसर होते रहे। 51 रुपए महेश साख उनकी तरफ से आए हैं, भगवान से कामना करते हैं सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु। 101 रुपए अभयदीप उर्फ नीलू, इसी गांव अमरापुर के रहने वाले हैं, एडवोकेट अलीगंज तहसील। चलो अच्छी बात, हमारा काम पत्र आ तो 50-50 रुपए सभी साथियों के लिए। और ये 251 रुपए हमारे मामा उजवीर सिंह यादव जी की तरफ से आए हैं, और 201 रुपए अभिनव यादव की तरफ से आए हैं, जो हमारे मामा उजवीर सिंह के नाती हैं अभिनव यादव, उनकी तरफ से।